खतरनाक शराबबंदी, हम लोगों ने ये सोचा या सरकार ने ये सोचा कि शराबबंदी आपराधिक घटनाएं घटेगी, आज उससे शराबबंदी बड़ा खत्म करने से आपराधिक घटनाएं रुकेंगी? रुकेगी, लेकिन आज उससे ज्यादा घातक हो गया है सूखा नशा, ब्राउन शुगर। और इस चेन को तोड़ने की जरूरत है, नहीं तो जिस तरीके से हम लोगों ने उड़ता पंजाब देखा था, कहीं उड़ता बिहार नहीं। कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही, देखिए, ये महाजंगल राज्य। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अभी आपराधिक घटनाएं जिन कारणों से बढ़ रही है तो इसका विकल्प तेजस्वी यादव है, क्योंकि क्यों? उनके कार्यकाल में या जो भी 2005 के पहले जो भी रहे, 15 साल जिनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में तो अपहरण ऐसा था कि जैसे लगता है कि डेली रूटीन का पार्ट ही नहीं था। कि तेजस्वी की सरकार बढ़िया है, कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं जी, बढ़िया लेकिन था, आप भी कह रहे हैं कि आपराधिक घटना इस तरह से हो रही है, तो यानी कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, जो हो रही है वो अस्पष्ट है, वो हो रही है, पूरे गांव गांव तक आ रहा है, मोहल्ले मोहल्ले तक आ रहा है, ये अस्पष्ट रूप से सबको मालूम है। ये चिंता का विषय, मैं बार बार सरकार को वह कर रहा हूँ कि सरकार अभी भी इसको लेकर एक बड़ी मुहिम चलाने का काम करे, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा दुखदायी होगा, पंजाब वाला हाल बिहार में हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चर्चा होगी आज बिहार की। देखिए, हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है राजेश वर्मा, जो कि खगड़िया से सांसद हैं, लोजपा रामविलास के। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। देखिए, चर्चा की विषय बिहार ही है और बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजेश वर्मा खगड़िया के एमपी हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया, आज दिन भर में कई ट्वीट हमने आपके देखे हैं, कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसे लेकर आपकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आप एनडीए में हैं। सवाल भी थोड़े कड़े कड़े होंगे आपसे। आपको लगता है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं जगहंसाई शुरू हो गई है? देखिए, कुछ चीज़ों को तो आप झुठला नहीं सकते हैं कि आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। और मैं यदि अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो मैं अभी लगभग 4 दिनों से अपने लोकसभा क्षेत्र में हूं, इस खगड़िया चार में। खगड़िया में। और इस 4 दिनों में दो हत्या और दो से ज़्यादा जो है आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिसको लेकर बिल्कुल मेरी चिंता भी है। और ज़्यादातर लोग जो इस आपराधिक घटना के शिकार हो रहे हैं वो व्यापारी वर्ग है। तो अगर जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ कहे जाने वाले व्यापारी वर्ग के साथ लगातार इस तरह की घटना होगी, तो आखिर हम लोग जिस बिहार में उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, जिस बिहार में हम लोग व्यापारिक रूप से और मजबूत करने की बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे बात हैं, कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की उद्यमी बात कर बनाने रहे की हैं, बात कर रहे हैं। तो वहां पर लोग आने में एक भय का माहौल कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके जो भी अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ में आए, तो वहीं पर कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज, मेरा ये मानना है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं देख पाया हूँ बतौर सांसद, और मैं हर गांव हर पंचायत मेरा दौरा चलता हूँ, इसके पहले भी बतौर डिप्टी मेयर मैं हर वार्ड वार्ड घूमता था। मेरा ये मानना है कि शराबबंदी जो की गई, जितना खतरनाक शराबबंदी हम लोगों ने ये सोचा या सरकार ने ये सोचा कि शराबबंदी आपराधिक घटनाएं घटेगी, आज उससे मतलब बड़ा शराबबंदी खत्म करने से आपराधिक घटनाएं रुकेंगी? रुकेगी, लेकिन आज उससे ज्यादा घातक हो गया है सूखा नशा, ब्राउन शुगर और स्मैक। आज जितनी भी ये आपराधिक घटनाएं आप देख रहे हैं या हत्याएं आप देख रहे हैं, जिसमें 25 साल, 20 साल, 28 साल के जो नौजवान है वो मतलब सब, 25 साल 20 साल नौजवान है उसमें? आप एक बार रिकॉर्ड आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले क्या जो आप अपने पकड़ा रहे क्षेत्र हैं, में भी ऐसे लोगों से बात हो रही है? बहुत ऐसे परिवार के लोगों से मैं मिला हूं। मैं आपको खुद बताता हूं कि एक परिवार, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक समृद्ध परिवार जिनका बच्चा बाहर से पढ़कर आया, जिसने अभी कभी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं की, वो एक स्मैक के और ब्राउन शुगर के लत में ऐसा हो गया कि वो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने को तैयार है, उनके साथ झगड़ा करने को तैयार है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए वो नशा करने के लिए। वो एक लत लग एडिक्शन, गई है। इस चेन को तोड़ने की जरूरत है, नहीं तो जिस तरीके से हम लोगों ने उड़ता पंजाब देखा था, कहीं उड़ता बिहार नहीं हो जाए। मतलब आपको लगता है कि उस रास्ते पर चल पड़ा है? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पटना के शहर की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप ग्रामीण इलाकों में धीरे 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 जिस तरीके से ये पूरी तरीके से फैल रहा है, मेरी जनरेशन और हमारी बाद वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि एक बड़ा गिरोह इसका काम कर रहा है और इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह उस पर होगी, प्रशासन उसको लेकर एक
टीम बनाए, कमिटी गठित करे, क्योंकि जितना जितनी सख्ती के साथ प्रशासन शराबबंदी को लेकर प्रयास कर रहा था, उससे ज्यादा सख्ती जरूरत है ये सूखे नशे के गिरोह को तोड़ने नहीं की। आपको लगता है, क्योंकि देखिए आप भी पहले व्यापारी वर्ग से आते थे, अभी व्यापारी वर्ग से ही हैं और व्यापार आपका है भी कुछ, वो अलग बात है, लेकिन जब आप लोग की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने कहा कि जो व्यापारी वर्ग है वो सुरक्षित महसूस करता था पहले, अभी थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ है, तो कम मेक इन बिहार वाला जो ये फॉर्मूला है फिर वो नहीं चल पाएगा, फिर व्यापारी भागेंगे। नहीं, मैं देखिए, अगर हम लोग ये बात करें कि पिछले 2-4-5 साल पहले तो बिहार ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, अभी जो घटनाएं बढ़ रही है, मैं उसका कारण कहीं ना कहीं आपको बता रहा तो हूँ कि फिर तो आपके सपा, आपके बातों का लोग ये तथ्य निकालेंगे कि आप इशारों में कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट ही कहना है कि शराबबंदी से ज़्यादा घातक अभी के वक्त में ये सूखा नशा, ब्राउन शुगर और स्मैक होते जा रहा है, ये ऐसा एडिक्शन है आपने कहा डूरता बिहार, कि बिल्कुल, और अगर इसको नहीं रोका गया, इसको लेकर कोई सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, मैं खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और डीजीपी साहब से मिलकर मैं अपने क्षेत्र के लिए तो जरूर जो है पत्राचार करके उनको अवगत कराऊंगा, और चाहूंगा कि एक टास्क फोर्स का गठन जरूर हो, जितने ऐसे चेन हैं, क्योंकि इस विषय पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। स्मैक और ब्राउन शुगर लेने के बाद सामने राजेश वर्मा सांसद है कि राजेश वर्मा एक व्यापारी है, उससे उसको कोई फर्क नहीं है, उसका अगर मिशन है कि भैया हमको इसको टारगेट करना, तो वो टारगेट करेगा, और उसको बाद उसको नशा के बाद उसको होश ही नहीं रहता कि हम किस जोन में मतलब आपको लगता है किसी ने उस गलत चीज का इस्तेमाल करके आपके प्रति किसी को उसका दिया, तो कहो कि आपकी भी जान को खतरा हो सकता कोई है। किसी की भी जान को खतरा, कोई सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जब स्मैक और ब्राउन शुगर के नशा के बाद वो होश में, आप अगर कुछ परिवार के बच्चों से आप मिलेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जिनसे आप पहले मिले हो और नशा जब करने लगा उसके बाद उनसे मिले हो तो उसके हाव भाव स्वभाव से आपको लगेगा कि वही लड़का था। तो एकदम से लोगों के अंदर, जो नौजवान हमारे साथी, उनके अंदर इस तरह की चीजों को फैलता हुआ देख के चिंता है इस बात को लेकर। मैं, क्योंकि इसी सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, 2005 के बाद यदि लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने दुरुस्त किया, 2005 के बाद स्पीडी ट्रायल जैसी स्पीड ड्राइव चला कर हाँ चलाया, तो ये इसी सरकार ने चलाया। अपराधी को सलाखों के पीछे भी आप बिल्कुल, उसकी जगह कर रहे पहले हैं। पहले अपराधी अपराध कर पकड़ाते भी नहीं थे, मनोबल अपराधियों का बढ़ता था, आज कम से कम अपराधी अपराध कर पकड़ाता है। मैं बस उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था अपने ट्विटर के माध्यम से भी, कि जो एक बड़ा अपराध होने के पीछे का कारण जो है कारण बता रहे हैं, वो ब्राउन शुगर और स्मैक का बढ़ता हुआ परिचलन तो ये है। व्यापार मतलब क्या हो रहा है? जैसे अब आप ठीक है, अब आपसे सियासी सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार या तो नीतीश कुमार या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं जो सीमाबंदी पर हैं, जहां पर भी हैं, तो या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चहल पहल नहीं है, या वो खनक नहीं है, खनक खत्म हो गई है, तो देख, कहीं ना कहीं मुझे कौन लगता है, जिम्मेदार है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास हमेशा से इसको लेकर सकारात्मक रहा है, लेकिन जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुझे लगता है कि नीचे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको पेट्रोलिंग करने की, और उनको टास्क फोर्स बनाकर जिला स्तर पर सिविल ड्रेस में, आप वर्दी में आप घूमेंगे तो जो अपराधी है वो तो सतर्क रहेगा, आप सिविल ड्रेस में जरूरत है। एक बार बहुत पहले की बात है, जब हम लोग भागलपुर में देखते थे, एक एसपी साहब आए थे तो सिविल ड्रेस में, वो जितने भी चौक चौराहे, पान की गुमटी, चाय की गुमटी है, जहां पर नशा का अड्डा है, एक आम आदमी को पता है कि फलाना आदमी जो है वो ब्राउन शुगर बेचता है, फलाना आदमी ये काम सूखा करता है, सूखा जो नशा बेचता है, नशा, तो क्या प्रशासन की नजर से ये चीज छुपी हुई होगी? मुझे लगता है कि एक टास्क फोर्स बनाकर सिविल ड्रेस में इसको पूरे बिहार में लागू करने की जरूरत है, ये चिंता का विषय है। अगर आज सरकार इस पर चिंता नहीं करेगी तो आने वाले 5 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन को आप पूरी तरीके से सख्त भी कर दीजिएगा तो उसको रोक पाना, थाम पाना हमारे लिए एक चैलेंज हो हाथ जाएगा। से निकल जाएगा। बिल्कुल, अगर लेकिन आज इस तरह से तो फिर आपकी इन बातों से तेजस्वी यादव को तो दम मिल रहा है ना? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, देखिए, ये महाजंगल राज। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अभी आपराधिक घटनाएं जिन कारणों से बढ़ रही है तो इसका विकल्प तेजस्वी यादव है, क्योंकि क्यों उनके कार्यकाल में या जो भी 2005 के पहले जो भी रहे, 15 साल जिनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में तो अपहरण ऐसा था कि जैसे लगता है कि डेली रूटीन का पार्ट हो, हत्याएं ऐसी थी कि डेली रूटीन का पार्ट हो, यहां से व्यापारी वर्गों ने पलायन कर लिया था, अभी भी तो आप कह बड़े। रहे हैं कि अपराधी से डरे हुए हैं मैं वही आपको व्यापारी कहना वर्ग के चाह रहा लोग। हूं कि आज जो सरकार अपराधी अपराध कर उस पर शिकंजा कसती है सरकार, ये शिकंजा कसने का काम जो चल रहा है एक रूटीन का पार्ट है, वो तो करे ही। साथ ही साथ मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि
पैरेलली एक टास्क फोर्स बनाकर इस मुहिम को रोकने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर हत्या करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह के नशा में संलिप्त होकर ही इस काम को अंजाम कर रहे हैं। उनके अंदर से भय पूरी तरीके से खत्म हो जाता है जब वो ये नशा करते हैं, और ये बड़ा विषय है। इस विषय को अगर सरकार सर्वे करा ले, एक एक पंचायत, एक एक गाँव और एक एक विधानसभा स्तर पर, तो मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है कि तेजस्वी की सरकार बढ़िया है कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं जी, बढ़िया लेकिन था। आप भी कह रहे हैं कि आपराधिक घटना इस तरह से हो रही है, तो यानी कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, जो हो रही है वो अस्पष्ट है, वो हो रही है, और जो हो रही है उसको लेकर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। मेरा सिर्फ यही सरकार को साथ में सुझाव है कि कानूनी कार्रवाई के पैरेलल एक ये टास्क फोर्स बनाकर, ताकि अपराधी घटनाएं रुके थमे, जैसे ही इसकी चेन टूटेगी तो आप देखेंगे कि अपराधी घटनाएं घटेगी। और यही मुहिम था, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच यही थी कि जैसे ही शराबबंदी होगी तो अपराधी घटनाएं घटेगी। लेकिन देखिए, इसका विकल्प जो है, शराब के जगह लोग अब सूखे नशे की ओर जा रहे हैं, और उसमें नौजवान साथी ज्यादा आपको लगता है, है ये तो 20-25 साल वाले युवा ही उसमें ज्यादा है? मैक्सिमम यही युवा है, 20 साल से लेकर 30 साल वाले युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा तो ये इसमें। कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है या क्या, सीमा देखिए, पर जो तैनाती है वो इतनी तेज है? कहाँ से आ रहा है ये सरकार का विषय है, लेकिन पूरे गांव गांव तक आ रहा है, मोहल्ले मोहल्ले तक आ रहा है, ये अस्पष्ट रूप से सबको मालूम है। ये चिंता का विषय है। मैं बार बार सरकार को वह कर रहा हूँ कि सरकार अभी भी इसको लेकर एक बड़ी मुहिम चलाने का काम करे, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा दुखदायी होगा। पंजाब वाला हाल बिहार में हो जाएगा। पंजाब वाला हाल बिहार में हो जाएगा। देखिए, अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं कि वहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, बिहार में उद्योग आना भी चाह रहे हैं, बिहार में उद्योगपति आना भी चाह रहे हैं। अगर फिर ऐसा माहौल बनेगा, जैसे मंचलों से माहौल खराब होगा, वो भी मंचले नहीं है, जिस गलत संगत में वो जा रहे हैं, जिस गलत दिशा में वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सामान आ कहाँ से रहा है, गलत सामान, तो आप समझ सकते हैं। राजेश वर्मा खगड़िया के एमपी हैं, लोजपा रामविलास के नेता हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है इस पूरे इंटरव्यू में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, नीतीश कुमार से आग्रह किया है, लेकिन तेजस्वी यादव पर भी इशारों में बहुत कुछ कहा है, सुना आपने, धन्यवाद।